हरे कृष्णा अध्याय 8 श्लोक नंबर 16। अब्रह्म भुवन लोक पुनरअवतिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इसका अर्थ, इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। इसका तात्पर्य, समस्त योगियों को चाहिए वे कर्म योगी हों, ज्ञान योगी या हट योगी, अंततः भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है, तभी वे कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं, जहाँ से वे फिर कभी वापस नहीं आते। किंतु जो सर्वोच्च भौतिक लोकों अर्थात देव लोकों को प्राप्त होते हैं, उसका पुनर्जन्म होता रहता है। जिस प्रकार इस पृथ्वी के लोक उच्च लोकों को जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मलोक, चंद्रलोक तथा इंद्रलोक जैसे उच्चतर लोकों से लोग पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। छंदोग्य उपनिषद में जिस पंचाग्नि विद्या का विधान है, उससे मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है। किंतु यही यदि ब्रह्मलोक में वह कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं करता, तो उसे पृथ्वी पर फिर से लौटना पड़ता है। जो उच्चतर लोकों में कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते हैं, वे कर्मशः और ऊपर जाते रहते हैं, और प्रलय के समय वे नित्य परम धाम को भेज दिए जाते हैं। श्रीधर स्वामी ने अपने भगवद गीता भाष्य में यह श्लोक उद्धृत किया है। ब्राह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे परस्यन्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परम पदम। इसका अर्थ, जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है, तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर प्रवृत्त उनके भक्त अपनी इच्छानुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोकों को भेज दिए जाते हैं। हरे कृष्णा। तो ये था इस श्लोक का तात्पर्य। इस श्लोक में भक्तों, अब भगवान दो चीज़ बता रहे हैं जो कि एकदम ही कॉन्ट्रास्ट है, अलग है, दोनों जगत के बारे में, यानी भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत का क्वालिटी बता रहे हैं, एक फीचर बता रहे हैं। मतलब जो कोई भी ऊपर के जगत में जाए, लोकों में जाए, या इस जगत में निम्नतम लोकों में जाए, यानी अगर वो स्वर्ग लोक का प्राप्ति करता है या पाताल लोक की प्राप्ति करता है, कोई भी हो, मगर ये सब के सब 14 लोक जो है इस भौतिक जगत में, ये सब के सब दुख के घर हैं। जैसे पहले श्लोक में कहा है दुखालयम अशाश्वतम, वैसे ही यहाँ पे भी भगवान वही बता रहे हैं, वापस जोर दे रहे हैं अपने नित्य धाम का इम्पोर्टेंस बताने के लिए, कि ये जो भौतिक जगत है जहाँ हम रह रहे हैं, ये दुख का घर है। और दूसरी चीज़, इसकी और एक दूसरी जो ये है खामी है, वो है जन्म और मरण का चक्कर। इस चक्रव्यूह में हमें फंसते रहना पड़ेगा जब तक हम यहाँ से नहीं निकले। ये आध्यात्मिक जगत में नहीं है। जन्म, मृत्यु, ज्वरा, व्याधि, ये जो वास्तविक ये है प्रॉब्लम्स है, ये वहाँ पे नहीं है, आध्यात्मिक जगत में नहीं है। तो दूसरे लाइन में भगवान वही बताते हैं कि जो मेरे धाम को प्राप्त करता है वो कभी भी जन्म नहीं लेता। ये इस लाइन पे हमें जोर देना चाहिए, समझना चाहिए। तो इसी संदर्भ में श्रीला प्रभुपाद टीका करते हैं कि दो अलग बताया है भगवान ने, एक रिपीटेड बर्थ एंड डेथ और दूसरा नेवर टेक्स बर्थ अगेन। तो ये डिफरेंस हमें समझना चाहिए कि भौतिक जगत में आते हैं तो हमें बार बार जन्म मृत्यु के साइकिल से, विशियस साइकिल, डेंजरस भयानक साइकिल से गुजरना पड़ता है, मगर आध्यात्मिक जगत में जब हम चले जाते हैं भगवान के पास, भगवान कृष्ण के पास, तो ये जो जन्म मृत्यु का चक्रव्यूह है, भयानक चक्रव्यूह है, उससे हम छूट जाते हैं। और
क्योंकि हम भगवान के धाम कृष्ण को पा लेते हैं तो वहाँ नित्य उनके परिकर उनके अनुयायी बनकर रह जाते हैं, वापस इस जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह में नहीं फंसते। अब इस संदर्भ में श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि किसी भी लोक में गए तो वापस यहाँ आना पड़ता है ना। अगर ब्रह्म लोक माने सत्य लोक जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं, तो उस लोक का भी ऐसा है कि प्रलय काल में जब पूरा ब्रह्मांड का पानी से प्रलय हो जाता है, विलीन हो जाता है, तो ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी से लेकर जो भी जीवात्मा वहाँ रह रहे हैं, अगर वो कृष्ण भक्ति में है, कृष्ण भावनामृत में है, तो उसी क्षण उनको तुरंत भगवत धाम ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। मगर उधर भी, क्योंकि वो भौतिक जगत में आता है ब्रह्मलोक, तो वहाँ पे भी अगर कोई जीवात्मा में एक क्लेश मात्र भी छोटी सी भी भौतिक इच्छा हो गई, रह गई, तो उसे वापस इस धरती पर भेज दिया जाता है। क्या करने के लिए? वो पूरा करने के लिए। तो आप सोचिए ये इच्छा, ये डिज़ायर कितना डेंजरस है, हमें यहाँ वापस खींच लाता है। इसीलिए हमें इच्छा रहित होने के लिए कहते हैं, किसी का भी हो, फल से हो, कर्म से हो, कुछ भी हो, वो इच्छा हमें नहीं करना चाहिए, सब कुछ भगवान पे छोड़ देना चाहिए, भगवान कृष्ण पे छोड़ देना चाहिए। इसे जोड़कर श्रीला प्रभुपाद ने श्रीपाद श्रीधर स्वामी का जो ये है टीका है, उनका जो भगवद गीता का भाष्य हो, उसे एक श्लोक बताया है। श्रीधर स्वामी के टीका जो है वो बहुत इस्तेमाल किए हैं श्रीला प्रभुपाद ने अपने श्लोकों में, चाहे भागवतम का हो, भगवद गीता का हो, सब जगह पे उन्होंने इनके टीकाएँ और बलदेव विद्याभूषण जी के, फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती जी के, इनके बहुत सारे टीकाएँ श्रीला प्रभुपाद ने दिए हैं, क्योंकि ये सब बहुत फेमस आचार्यस हैं, प्रसिद्ध आचार्य हैं, और उनके भगवद गीता के जो भाष्य है बहुत सटीक हैं, तो और हमें समझने लायक भी हैं। तो वो यही बताते हैं, यहाँ पे श्रीधर स्वामी बताते हैं कि जिनका जो इच्छानुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड है उसमें प्रविष्ट हो जाता है वैकुंठ लोक में, तो इच्छानुसार अगर जब वो प्रगति कर रहा है कृष्ण भावनामृत में, और जब वो प्रलय काल में हो या अंत काल में हो, जब वो स्पिरिचुअल प्लैनेट जाता है, परम धाम जाता है, तो उसके इच्छानुसार उस विशिष्ट वैकुंठ लोक को भेज दिया जाता है। जैसे सब एक ही समझते हैं, मगर वैकुंठ जगत भी बहुत है, बहुत सारा है, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, ऋषिकेश, ऐसे मुकुंद, गोविंद, ऐसे बहुत सारे वैकुंठ है जहाँ पे जिसकी जैसी भक्ति भगवान कृष्ण के तरफ होती है, विष्णु रूप में, राम जी के रूप में, या वामन जी के रूप में, या कोई भी जो भगवान के अवतार हैं उस पे उनका मन लगा रहता है, उस प्रकार से वो उस वैकुंठ लोक में, उस जगत में जाते हैं, परम धाम को प्राप्त करते हैं, भगवान की सेवा पूजा में लग जाते हैं। तो इस तरह से वो अपने इच्छानुसार, भौतिक नहीं, आध्यात्मिक इच्छानुसार उस वैकुंठ जगत को, लोक को वो प्राप्त कर लेता है वो जीवात्मा। जैसे कि अभी एक कथा के अनुसार, श्रीपाद सनातन गोस्वामी की कथा में एक बार ऐसा हुआ था कि सनातन गोस्वामी बहुत वृद्ध हो गए थे और बहुत कमज़ोर हो गए थे, उन्होंने खाना पीना तक भी छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें हमारे लिए ये सब जो श्रेष्ठ भक्ति के ग्रंथ थे ये सब उन्हें देना था, जो स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें आदेश दिया था कि तुम आने वाले भक्तों के लिए ये जो भक्ति शास्त्र है ये सब तुम रचना करो। तो उन्होंने काफ़ी ग्रंथ लिखे हैं श्रीला सनातन गोस्वामी ने, जिसमें श्री हरि भक्ति विलास जो है वो उन्होंने गृहस्थ आश्रम वालों के लिए लिखा है, दिग्दर्शनी टीका, फिर श्री कृष्ण लीला स्तव जिसे दशम चरित है, फिर श्री भागवत टिप्पणी,
जिसमें श्रीमद् भागवतम का पूरी टिप्पणी है, फिर बृहद वैष्णव तोषाणी, ये सब उन्होंने ऐसे कहीं अनेक किताब लिखा है अपने भाई श्रीला रूप गोस्वामी पाद के जैसे। तो ये है, एक बार की बात हुई कि वो बैठे थे एक पेड़ के नीचे और उन्होंने काफ़ी दिन तक कुछ खाना वाना नहीं खाया, कुछ प्रसाद नहीं ग्रहण किया, वो बस लिखते ही जाते थे, हमारे लिए ग्रंथ रचते जा रहे थे हमारे इसमें चिंता में कि आने वाले भक्तों को, इन सब भक्तों की, भगवान की जो लीलाएं हैं ये सब उनको सरलता से मिलनी चाहिए। तो इतने कठोर तपस्या से वो अपना जीवन बिता रहे थे और हमारे लिए ग्रंथ लिख रहे थे। तो ये चीज़ जो उनके हृदय में जो मदन मोहन जी बसे हैं वो जान गए और वो खुद वहाँ चले आए एक ग्वाले बच्चे के रूप में, सुंदर ग्वाले बच्चे के रूप में, और आके उन्होंने कहा, अरे बाबा आप भूखे क्यों हो, मैं कई दिन से आपको देख रहा हूँ आप कुछ नहीं खा रहे हो, ये लो ये मैं आपके लिए बहुत मीठा सा दूध लेके आया हूँ गढ़ा भर के, आप इसे पी लीजिए, आप इसे ग्रहण कर लीजिए। तो सनातन गोस्वामी बहुत खुश हो गए और उन्होंने कहा कि लाला तुम तो इतने छोटे से हो, तुम्हारे घर से कोई भेज देते, तुम क्यों आए इतना कष्ट लिए, ये लेके इस इतना बड़ा गढ़ा तुम लेके आए, तुम्हें बहुत तकलीफ़ हुई होगी ना। तो लाला जी कहते हैं, नहीं नहीं बाबा मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुआ, घर पे सब लोग अपने अपने काम धंधे में लगे थे, व्यस्त थे, तो मैंने सोचा मैं ही क्यों ना आपके लिए लेके आऊँ, मैं तो रोज़ यहाँ गैया चराने आता हूँ, तो मुझे आपका ये जो भूख प्यास सहन के इतना जो आप सेवा कर रहे हो मुझसे देखा नहीं गया, इसीलिए मैं आपके लिए ये दूध लेके आया। तो सनातन गोस्वामी ने कहा, तुम बैठ जाओ, मैं अभी दूसरे पात्र में इसको बदल कर तुम्हें ये घड़ा मटका दे देता हूँ। तो उस लाला ने कहा कि नहीं नहीं बाबा आप रख लीजिए, मैं बैठ नहीं सकता, गैया चराते चराते दिन डल आई है, तो मुझे जल्दी से निकलना है, मैं जा रहा हूँ, आप पी लेना, मैं कल आके आपका मटका ले लूँगा। तो चले गए मदन मोहन जी। अब सनातन गोस्वामी जैसे ही दूध पिए और ऊपर उठ के देखे तो कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं दिख रहा था बिल्कुल भी। तो सनातन गोस्वामी समझ गए कि ये लाला जी हमारे और कोई नहीं, ये तो हमारे कृष्ण कन्हैया ही हैं जो मुझे भूखा देकर मेरे सेवा के लिए आए। देखिए जब भक्त इतने उच्च स्तर पर चले जाते हैं तो भगवान ही उनका सेवा करने के लिए ललायित होते हैं। ये सोचकर लज्जित हुए श्रीला सनातन गोस्वामी पाद और उन्होंने निश्चय किया अब रूखी सूखी कुछ भी हो मैं एक किसी ना किसी घर से मधुकरी कर एक रोटी तो लेके आके खा लूँगा, मगर मेरे भगवान को तकलीफ नहीं दूंगा, जिन्होंने इतनी तकलीफ उठाकर मुझे दूध देने के लिए वो यहाँ तक आए। तो उस दिन के बाद से उन्होंने कभी उपवास वगैरह नहीं किया, वो जाके मधुकरी करके कुछ ना कुछ रोटी लेके आके खा कर फिर भाष्य लिखते थे। तो इस तरह से भगवान कभी भी अपने भक्त को भूखा नहीं सुलाते हैं, कभी अपने भक्त को तकलीफ़ में नहीं देख सकते हैं। ऐसे अद्भुत लीलाएं भगवान ने रची है जिन्हें सोच कर, जिनके ऊपर विचार कर कर, ध्यान कर कर, हम भी उनके तरफ प्रेममयी सेवा करने लगते हैं। तो इसीलिए हर तरह से कृष्ण भावनामृत एक सबसे अच्छा और सुंदर प्रोसेस है जो हम सबको इसका लाभ उठाना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।